तो 90 डेज टारगेट सीएचएसएल में आज हमारा डे 4 होने जा रहा है, यानी नाउन के आज हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। आज नाउन का हमारा चौथा वीडियो होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि 10 से 11 रूल नहीं होगा और मैं आपको सारे रूल्स बता दूंगा। इवन इसी 10 वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी और ओरिएंटेड ऑथेंटिक रूल्स ही बताऊंगा। इस चीज का प्रॉमिस ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। जस्ट बिलीव मी कि ये 13 साल 14 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आज का रूल एकदम यूनिक है, बेहतरीन है। आप बस इस वीडियो को पूरा देखना, 10 से 15 मिनट का पूरा वीडियो होगा। गारंटी से कहता हूं, आप चाहे तो एग्जाम से वापस आए और अगर नाउन का क्वेश्चन आया है तो आपको इन 10 वीडियो में से उसका रूल मिल जाएगा, इतना मैं जरूर वादा आपसे करता हूं। तो चलिए, आज का रूल बहुत यूनिक है हमारा। थोड़ा सा लिखने की जो व्यवस्था है वो कम कर दी गई है। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि स्लाइड कर दो, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार बना रहा तो डिजिटल बोर्ड भी जल्दी आएगा। रूल हमारा क्या कहता है, याद रखिए कि कभी भी कोई अगर एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव कोई भी हो सकता है, इसके बारे में आपको पता होगा। एडजेक्टिव नॉर्मल एक इंसान की जो क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव होता है। अब बात इसमें क्या, जैसे रिच लिखा है ये एडजेक्टिव है हमारा, पुअर लिखा है एडजेक्टिव है, व्हाइट लिखा है एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है, स्मॉल टॉल डस्की ब्यूटीफुल वॉइस नाइस, ये सब एडजेक्टिव होते हैं कि नहीं होते, हैंडसम पावरफुल यूजफुल, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। रूल हमारा ये कहता है कि कभी भी किसी भी अगर एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या यूज कर दिया जाए, द का यूज कर दिया जाए, आर्टिकल द, यानी एडजेक्टिव जो एक आपका नॉर्मल एडजेक्टिव दिख रहा है अगर उसके ठीक पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया जाए तो वो एडजेक्टिव काम करने लगता है प्लूरल नाउन की तरह, यानी नाउन का काम करेगा और वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। कैसे, खुद देख लीजिए, मैंने यहां रिच लिखा है आप देख रहे हैं और मैंने इधर द रिच कर दिया, यहां पुअर लिखा है यहां द पुअर कर दिया, यहां व्हाइट लिखा है द व्हाइट कर दिया, ब्लैक लिखा द ब्लैक कर दिया, टॉल लिखा है द टॉल किया, स्मॉल किया डस्की किया द। अब इसका जो मतलब है वो ये है प्लूरल में आने पर कि यहां पर हम किसी एक की तो बात अब कर नहीं रहे, क्योंकि प्लूरल का मतलब तो बहुवचन, तो यहां पर बातें हम कर किसकी रहे। तो भाई रिच के पहले द लगाओगे तो द रिच से मतलब हमारा होता है कि द रिच पीपल, जितने भी अमीर लोग हैं उनकी बात करेंगे। द पुअर से मतलब है द पुअर पीपल, यानी गरीब लोग हैं उनकी बात करेंगे। द व्हाइट का मतलब होता है द व्हाइट पीपल, यानी अंग्रेजों की हम बात कर दें। द ब्लैक का मतलब होता है ब्लैक पीपल, जितने भी इस दुनिया में काले लोग हैं, जितने भी इस दुनिया में गोरे लोग हैं, जितने भी इस दुनिया में गरीब लोग हैं, जितने भी इस दुनिया में अमीर लोग हैं, यानी इस एक सिंगल वर्ड के यूज होने से इसका पूरा मतलब बदल गया और ये प्लूरल नाउन का काम करने लगा। तो जितने की बात होगी सिंगल वर्ड यूज करोगे कि एक अमीर आदमी है तो द रिच मैन कर दो, एक गरीब आदमी है द पुअर मैन कर दो, एक गोरा आदमी है द व्हाइट मैन कर दीजिए, एक काला आदमी है द ब्लैक मैन कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल लिखा है तो द स्मॉल पीपल, यानी वो लोग जो छोटी हाइट के होते हैं, छोटे लोग, यहां पर गरीबी और अमीरी से छोटे लोग नहीं, यहां पर हाइट की बात हो रही है कि जितने भी लोग हाइट में छोटे होते हैं उनको द स्मॉल कहा जाता है। द टॉल यानी जितने लंबे लोग, और द डस्की यानी जितने सांवले, डस्की का मतलब होता है मेरे बच्चे सांवला होता है कि नहीं होता। अब जैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज होती है वहां के मौसम के अकॉर्डिंग वहां के लोग गोरे होते हैं, हमने द व्हाइट पीपल कहा। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज, पोलार्ड को देख लो, क्रिस गेल को देख लो ना, एकदम बहुत भयंकर काले होते हैं, घोर घनघोर काले होते हैं, काले होने की उनकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं। लेकिन डस्की माने सांवला, जो आपका अगर आप इंडिया से हैं और आप देखिए तो आपका जो मिडिल इंडिया है, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, आसपास के जितने भी स्टेट है, वहां पर जो लोग हैं ना वो ज्यादा गोरे होते हैं ना ज्यादा काले होते हैं, तो उन लोगों को डस्की कहा जाता है। डस्की का मतलब सांवला होता है। तो ये मौसम की बात होती है। आप कश्मीर देखिए,
कश्मीर के लोग गोरे होते हैं क्योंकि वहां साल के 10 महीने 11 महीने ठंडी होती है, लेकिन अपने ही इधर कन्याकुमारी, तमिलनाडु, केरल देख लीजिए, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो वहां के लोग काले होते हैं। तो खैर, गोरे और काले की बात यहाँ नहीं, यहाँ पर बात यह है, सिर्फ रूल ये जानो आप कि कभी भी किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो नाउन में बदल जाता है, और कैसा नाउन का बिहेव करता है, प्लूरल नाउन की तरह से बिहेव करता है। एक बात और बता देता हूं, इनमें अलग से एस या ईएस का यूज ना करें, गलत हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही करवा रहे हैं आपसे कि जैसे कैटल लिखा तो कैटल ऑलरेडी प्लूरल नाउन था, है ना ऑलरेडी। अब अगर आपको लगता है कि मैं कैटल्स कर दूं तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस लगा के उसे आप सुपरफ्लुअस कर रहे हैं। सेम कंडीशन में ये है कि द रिच ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है, द रिचेस लगाकर इसे आप गलत कर रहे हैं, तो गलत आपको नहीं करना है। इसके एक दो सेंटेंस भी मैं आपको दिखा देता हूं करके, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, मैं तुरंत लिख देता हूं, एक मिनट एक सेकंड के अंदर। जैसे लिखा है कि द रिच, ठीक है, उसके बाद लिखा है शुड हेल्प पुअर। अब देखो ये सेंटेंस हमारा गलत क्यों है, क्योंकि अगर बात कर रहे हैं कि जितने अमीर हैं उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो केवल पुअर तो होगा नहीं, होना क्या चाहिए, द पुअर होना चाहिए, तब जाके ये आपका सही होगा। एक और देखो, जैसे लिखा है कि द रिचेस आर कमिंग, यानी अमीर लोग जो है वो आ रहे हैं, तब भी गलत है, क्योंकि आप अगर द रिचेस करेंगे तो वर्ड ही हमारा गलत हो गया, तो द रिच करिए, तब जाके ये पूरा सेंटेंस हमारा सही होगा, ठीक है। पुअर्स, ठीक है, यहां पर हमने लिखा कि पुअर्स लाइफ इज मिजरेबल, ठीक है, इज मिजरेबल, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आप पहली बात तो पुअर्स अकेले नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे, और यहां पर आप एस का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ साथ यहां पर इसकी जगह पर क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का पहला रूल, रूल नंबर 5, जिसमें मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के पहले द लगाओ तो वो नाउन में बदलता है प्लूरल नाउन, और ऑब्वियस सी बात आपको पता होगी कि प्लूरल नाउन के साथ, इस प्लूरल नाउन, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर का नहीं किया जाता। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर 6 की ओर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होगा पूरे नाउन और नंबर का जो आने वाला है, बहुत गजब है, बहुत जरूरी है, वीडियो को स्किप मत करना, देख कर जाना, लाइफ बदल देगा, आपके नजरिए बदल जाएंगे, आप सेंटेंस को करना शुरू कर देंगे, सेंटेंस को सॉल्व करना आ जाएगा आपको, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर जो 6 है, उसमें कुछ वर्ड लिखे हैं, वो आप देखिए। जैसे लिखा है ईच, लिखा है एनी, है मेनी, है वन, सम, नन, आइदर, नाइदर, बोथ, सेवरल, हाफ, फ्यू, मच या द नंबर, ठीक है। अब कहा गया ये सब जितने भी वर्ड है, मैं बता देता हूं पहली बात कि ये सब हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ये आपको पता होगा, ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ईच, एनी, मेनी। क्यों इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि इनसे हम किसी भी तरह से ये नहीं अंदाजा लगा सकते, गेस नहीं कर सकते कि कितने नंबर हैं, यानी 2 हैं 4 हैं 10 हैं 20 हैं, इसीलिए इन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। अब बात यहां पर ये कि सर नाउन नंबर पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन कैसे आ गया, तो मेरे बच्चे परेशान नहीं हो, समझो बात को। अगर याद रख लीजिए, कभी भी इनडेफिनिट प्रोनाउन ये एक ऐसा वर्ड जिससे हम नंबर गेस नहीं कर सकते, 2 हैं 4 हैं 10 हैं, तो याद रखो कि अगर इनके बाद ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं कि अगर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए तो याद रखो इनके बाद हमेशा किस नाउन का प्रयोग करोगे, प्लूरल नाउन। अब यहां पर वो सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं हमारे, जो हमारे मास्टर साहब ने 12 तक पढ़ाया हमें। क्या पढ़ाया, कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, नो डाउट ना, यहां पर भी था
कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, याद रख लो। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। हमेशा इस चीज को याद रखना कि ईच ऑफ लिखा है तो प्लूरल नाउन तो लिखा जाएगा लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर है? इतना बहुत क्लियर रखना। PNSV, ठीक है, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब हमेशा याद रखो, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। आप ऐसे भी कर दीजिए कि P के बाद S आता है, बस ऐसे याद रख लो कि नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर। अब बात यहां पर ये कि चलो अच्छा इसका एग्जांपल देख लेते, लेकिन एक चीज इसमें अभी मिस कर रहे हैं आप, वो मैं जरूर बता दूंगा, पहले थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। जैसे लिखा गया कि ईच ऑफ लिखा गया, ऑफ बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखो यहां पर ईच ऑफ लिखा है और द बॉय लिखा है, और हमने लिख दिया ईच ऑफ द बॉय इज कमिंग लिखा गया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऑफ लगा तो नाउन कैसा होगा मेरे लाल, ईच ऑफ द क्या हो जाएगा, बॉयज, यानी सभी बच्चों की बात हो रही है तो प्रत्येक की बात हो रही है, यानी एक एक की बात हो रही है, तो बॉयज तो प्लूरल हुआ लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, तब जाके ये सेंटेंस हमारा सही होगा। इसी तरह से है मेनी ऑफ द गर्ल्स कर दो, मेनी ऑफ द, यहां पर मैं लिखूं कि मेनी ऑफ द गर्ल्स तो होगा, अब गर्ल्स लिखा है सब्जेक्ट है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा, तो मेनी ऑफ द गर्ल्स ठीक है इज यहां पर करके अटेंडिंग क्लास कर दो, है ना, ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो ये तो चलो हमारा है भाई ये है। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसी में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ले लिया आपने, चलिए एक बात और याद रख लो, ठीक है, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना इस चीज पर, बहुत ज्यादा जरूरी बात कि द नंबर तब तक ठीक है, क्योंकि नंबर में भी दो तरह के नंबर है भैया, कौन कौन से नंबर है मेरे लाल, तो एक होता है ठीक है, एक होता है द नंबर और एक होता है ए नंबर। अब इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब द नंबर ऑफ द बॉयज, द नंबर ऑफ द गर्ल्स, द नंबर ऑफ द एनिमल्स, कुछ भी लिखा हो, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ पेन्स, कुछ भी लिखा हो, तो याद रखो कि द नंबर अगर है तो इसके साथ तो प्लूरल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, यानी जो ऊपर वाले के साथ था वो द नंबर के साथ है। लेकिन ए नंबर जब भी लिखा दिखाई दे कि ए नंबर ऑफ पेन्स, ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ बैग्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब जब भी लिखा हो तो याद रखो कि प्लूरल नाउन तो होगा लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अब इस सर इसको हम कैसे याद रखें, बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मत परेशान हो, मैं बता देता हूं कि द हमेशा किसके लिए आता है, सर्टेन चीजों के लिए आता है, तो सर्टेनिटी दिखानी है तो सिंगुलर लिख दिया, और ए हमेशा अनसर्टेन चीजों के लिए आता है तो उसके लिए अनसर्टेनिटी दिखानी थी तो हमने प्लूरल कर दिया। या आप ऐसे याद कर लो कि द एक इनडेफिनिट क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है, और जबकि ए क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, तो भाई जो चीज इनडेफिनिट आर्टिकल में जाएगी वो पूरी तरह से कैसी होगी, प्लूरल, जो चीज डेफिनिट आर्टिकल में जाएगी वो पूरी तरह से कैसी होगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अभी इन सब चीजों के बहुत सारे सेंटेंस भी मैं आपको कराऊंगा, तो रूल्स पढ़िए, आप परेशान मत होना, इसलिए हर एक सेंटेंस, हर एक रूल का दो दो तीन तीन मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। तो प्लीज आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जिन्हें नया नया टारगेट मिला है सीएचएसएल के बारे में, यानी क्लास 12th पास करके आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो वरदान की तरह होगा, इस चीज की गारंटी। और देखिये मैं टाइटल लिख देता हूं, नो बकवास, यानी कि इस पूरे वीडियो में आपको कहीं कोई बकवास नहीं मिली होगी कि मैं क्या करूं, मैं दुनिया की भर की बातें करूं, मैंने ये किया, उसने वो किया, मैंने कुछ नहीं किया मान लो, लेकिन मैं तुमको करवाऊंगा। मैं राजा नहीं बना, मैं किंग नहीं बना, लेकिन कोशिश है कि किंग मेकर बन जाऊं, तो मेरी कोशिश करवाने की है आपसे, आपका सिलेक्शन मेरा टारगेट है।
आपका टारगेट सीएचएसएल है लेकिन मेरा टारगेट आपका सिलेक्शन है, तो वो तभी पूरा होगा जब आपका आशीर्वाद आपका प्यार मिलेगा। तो प्लीज अपने भाई बहनों को भी जरूर शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी डे नंबर 5 और रूल नंबर हमारा हो जाएगा 7, यानी 10 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्यों? इसलिए हो सकता है 7-8 वीडियो में भी काम चल जाए हमारा, तो टॉप 10 रूल्स की हम डाल देंगे कि भाई केवल 10 रूल पढ़ लो, लेकिन 10 रूल में नाउन नहीं खत्म होगा। सारे टीचर जो है वो ऑफलाइन कम से कम 20 से 25 दिन नाउन पढ़ाते रह जाते हैं। वो सब अलग टीचर हैं जो टारगेट मिलता है कि भैया तुमको 3 महीने में खत्म कर देना है, तो चलो हम भी उसी तरह पढ़ा दिए। मैं अपनी स्पेशली बात करूं, मैं 20 से 25 दिन पढ़ाता हूं नाउन, लेकिन उसके बाद गारंटी देता हूं कि कोई बच्चा कोई किताब लेके आए, उसके क्वेश्चन लेके आए, गारंटी के साथ कहता हूं उसकी नोट्स में वो रूल ना मिला पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। तो प्लीज आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, जितना जल्दी हो सके हम भी डिजिटल बोर्ड पे आएंगे। राज लेते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप शेयरिंग, थैंक यू।